मैं सो रहा और काम भी शुरू कर दिया। अब आधे भाई गड़प गुप से मैं उठ गया। मतलब ये इतना लग गया है, अभी ये सब लगना बाकी है और गेट भी लगना बाकी है। भाई बड़ी जल्दी सुबह ही सुबह आ गया, क्या बात है। मैं सोया ही मतलब 5 बजे था, व्लॉग श्लॉग एडिट कर उठ गया भाई फटाफट 12 बजे। पापा गई नहीं है शायद, क्या हो रही है? किसके लिए फरिया? किधर है ये फरिया? ड्राइंग हो रही है तुम्हारी यहाँ पर? तुम्हें ड्राइंग बनानी नहीं आती क्या? पापा को आती अच्छी। चल ठीक है, वैसे पापा की ड्राइंग भाई बहुत अच्छी है। जब मैं स्कूल में जाता था ना तो मैं भी पापा से ही बनवाता था ड्राइंग वगैरह। पापा बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। पापा ने एक बनाया, पापा एक में। पापा की एक ड्राइंग और दिखाते हैं भाई। कहाँ है? अबे देखनी पड़ेगी अब। जली 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 तो ये यही पापा ने बनाई है। ठीक है, और ये आधा हिस्सा आपने बनाया, आधा हिस्सा पापा ने बनाया। आधा हिस्सा मैंने ही बनाया है, मैंने ये वाला हिस्सा बनाया है, बाकी ये वाला पापा ने बनाया है। पापा की ड्राइंग बड़ी अच्छी है भाई। मम्मा बोली है पापा का एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में। फायदा ही नहीं है, देखो स्कूल पढ़ लिया आपने, जब भी तो आपको सब कुछ आता है। अगर नहीं आता हो तो फिर करा देना भाई, अब तो आता है। अबे टमाटर घर पे पहले से स्टार्ट कर। चल तो इस ब्लॉग को इधर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में भाई चाय और ये सारे बिस्किट और एटीट्यूड बॉय। अरे महाराजा दोनों उठे हुए आज तो भाई, टमाटर भी और तुम भी। कैसे पॉसिबल हुआ ये, कैसे पॉसिबल हुआ? तुम दोनों बहुत तेज हो भाई, इतवार के दिन बहुत जल्दी उठ जाते हो। हालांकि वो दिन सोने का होता है, रेस्ट करने का होता है। सही वाला इतवार के दिन हमारा काम होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बाकी दिन छुट्टी छुट्टी। तो यहाँ फटाफट से करते हैं भाई नाश्ता। देखो साइड पे जगह खराब होने का मतलब क्या होता है कि पानी ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से मस्जिद नीचे आ रहा है। यहाँ से अगर उसको जगह नहीं मिलती ना निकलने की, आपके और मस्जिद नीचे जाता। यहाँ पे आपको डैमेज करता है, मस्जिद नीचे जाता, नीचे से निकलता। लेकिन इसको यहाँ पे निकलने की जगह मिल गई और नीचे वाला सेफ हो गया। बाहर जो है भाई ऊपर वाले अंकल आए हुए और उनसे यही डिस्कशन हो रही है कि भाई पानी जो है वो कैसे रुकेगा। मतलब किसका घर खराब है, आपका या ऊपर वाले का या ऊपर वाले का या हमारा ही। तो अभी इस पे भाई प्लम्बर वगैरह आए हुए, बिल्डिंग के प्लम्बर भी आए हुए, अलग से भी बुलाए हुए। सो अभी मीटिंग ही हो रही है भाई वहाँ पर, क्योंकि एक भंड हो गया। मैं दिखाता हूँ मसला जो है वो, देखो ये रहा, हमने ये चीज बंद करवाई, वो वाली चीज बंद करवाई। सो यहाँ से पानी आने लग गया। मतलब देख रहे हो ये जंग वाला पानी है और ये कल से पानी आ रहा है। पता नहीं परसों से आ रहा है, कल से या जैसे हमने वो लगाया था उसके बाद से पानी है ना। देखो ना ये तो कल मैं कवर नहीं किया था, मैंने बोला था क्या पता भाई रुक जाए, लेकिन नहीं रुका। सो ये देखो ये सारे टाइल मतलब अंदर फुल पानी भर चुका है। कि अगर हम वो बंद करवा रहे हैं तो आगे पानी आ गया, फिर अगर ये बंद करवा देंगे फिर आगे चले जाएगा। देखो पानी तो रुकता नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब आज मीटिंग है, मतलब सारे प्लम्बर वगैरह है तो वो सब देखेंगे है ना। देख से ही खत्म करना है, उसमें टाइम लगेगा। जड़ से खत्म, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे पता लगेगा कि किस किस घर से पानी आ रहा है। लोगों को पुराने प्लम्बर को सब पता होता है। हाँ। बड़ा मसला है भाई, बड़ा मसला है। ठोको ठोको, ठोकने वाला हो या काटने वाला? क्या बात है, काटने वाला भी करते हो? नहीं, लकड़ी काटने वाला। तो अब सिर्फ गेट लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गया हूँ। आज है भाई हमारे खानदान में दावत। किसकी दावत भाई? हमारे खानदान में होती शादी पप्पू के लड़के की। तो हमारे खानदान में पता है क्या होता है, ये आई थिंक सबके खानदान में होता होगा, इंडिया में भी होता होगा और अंग्रेजों में पता नहीं होता ही नहीं होता। जिसकी शादी होती है ना, लाइक लड़के की अगर खानदान में हो तो उसको मिलती है दावत। जैसे कि मुझे भी मिली थी दावत, तो आज हमने दिए फिर दावत, तो हम सारे जाएंगे आज दावत में। फटाफट चलते हैं सबा को लेने और बेबी को भी लेने। जो स्मेल वगैरह थी वो भी सारी चले गई है, तो लेट्स गो। क्या हुआ, कहाँ से गिरा? हाँ गिर, कहाँ से गिरा? कतरा गिर गया अभी यार, ये स्टूल रख कर। एक तो कतरों के बड़े मसले हो रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो, सारे आ गए। पापा मम्मा चेक कर रहे हैं, ये एक कतरा कहाँ से आ गया भाई। बड़े मसले हैं यार, बहुत मसले हैं ये वाले, कसम से। दिन रात इसी की बातें होती रहती है कि यार पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है। मैं तो चलो छोटा सा दोपहर में एक पार्ट ले लेता हूँ इस चीज़ का, लेकिन ये लोग रात तक बातें करते हैं कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, पानी आ रहा है, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। ये बहुत इशू होते हैं, आपके घर जब खराब हो रहा हो ना तो उसमें बहुत इशू आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अलहमदुलिल्लाह। गाड़ी 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 गाड़ी, कहाँ है मेरी गाड़ी? दिख ही नहीं रही भाई, कौन ले गया? वो ये रही चाबी चाबी चाबी। अरे चाबी भी नहीं है आज, किधर कहाँ है? अबे ये खुल जा सिम सिम। भैया आपने पूछे थे भाभी किधर है, भाभी किधर है? भाभी भी अपने घर गई हुई थी क्योंकि उनका पूरा कमरा बन रहा था इस वजह से। तो आज वो भी आ जाएंगी और सबा और बेबी भी आ जाएंगे, तो आज हम सारे जाएंगे दावत। निकल गई हमारी गाड़ी। देख खड्डे खड्डे चेक करो आप। ओए 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 ओए, आ जाइए। अरे अंकल भी आ गए हैं। ठीक ठाक है अंकल, कैसे? अल्लाह हाफिज। रोजा खुलने आएंगे इंशाल्लाह। पापा का झूठे मुन्ना आ गया है। रात में भी मिले थे और दिन में भी मिले भाई, रोज रोज मिलने। पापा तो भाई अब पापा तो छोड़ ही नहीं रहे आपको, अपनी नानी के जा रहे हो, जब भी मिलने आ रहे हैं। मतलब पापा का इतना दिल लग गया आपसे। बोले थे वाशिन नहीं है, ब्लॉग में मजा नहीं आ रहा। हम कल भी दावत में गए,
पर आज भी दावत में जा रहे हैं। है, दो दिन दावत मिल गई। हट जाओ रक्षे रक्षे। अबे भाई इतने सारे रक्षे, कम से कम 100 रक्षे तो यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है ना, तो देख सकते हो आप सारे रक्षे रक्षे मिलेंगे आपको। आई थिंक 6:30 या 7 बजे 8 बजे तक मैं पहुँचना दावत में। थैंक यू। तो इसको पप्पे अब हम घर जाके करेंगे, गाड़ी चला रहे हैं भाई। ठीक है बोलो। बोलो ठीक है। बोलो अभी करो, अभी करो। अच्छा अभी कर ले। चला चला। रश हो रहा है, रश जो है ना रैली निकली है ना वहाँ पर, इसलिए हम हमारे साथ अभी बेबी है यार, हम क्या करेंगे जाकर। तो स्लो स्लो गाड़ी चलानी पड़ रही है भाई रश की वजह से। एक मैक क्रिस्पी और एक एप्पल जूस, एक बर्गर की इतनी बड़ी स्लिप दे दी। थैंक यू। कहाँ रुको उसको भी, चलो बाद में फेंक देंगे इसको डस्टबिन में। सबा का है सिर्फ जूस। तो यहाँ मैं खा रहा हूँ भाई बर्गर, सबा पी रही है जूस और बासिल खा रहा है हाथ। वाह बासिल वाह। अब पता नहीं ये कब खाएंगे भाई, तो इनके लिए तो हमें हैप्पी मिल लेना पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज दिखा, आप कैमरा यहाँ रखे हो, बासिल को करें ना। नहीं नहीं पिछले बार प्रैंक बाद में करेंगे, अभी नहीं। ये बोलिए बासिल को ना थोड़ा डांटो, मना करो कि हाथ ना खाए, मेरा थोड़ा बड़ा हो जाए तो किसको डांट का पता ही नहीं। अभी तो बड़ा होगा ना फिर उसको हम ड्राई करेंगे। हाथ छोड़ो, ये देखिए सारी उंगलियां, सारी उंगली। बासिल निकालो हाथ। अच्छा ओ, 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 अभी गुस्सा नहीं, बाद में करेंगे जब थोड़ा बड़ा हो जाए। रास्ता 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 रास्ता। अरे भाई कोई जाने दो, कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, बड़ा रश है भाई। धंधे करने वालों को एक दफा जरूर हम इस मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे। ओ भाई ये कहाँ घुस गया है, कहाँ जा रहा है ये? अच्छा पीछे लगा रहा है। हटो 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 हटो, वो देखो पीछे सारी गाड़ियां रुक गई, पहुंच गए घर। अरे अभी तो सो रहे थे गाड़ी में, उड़ गए। ये लो। अच्छा क्यों चाहिए अब? अरे भाई बासिल इम्पोर्टेंट है देखा सबके लिए, चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। दादी आई हुई है भाई, दादी रेडी शेडी होकर आई है भाई, दावत में जाना दादी। सबने पकड़ लिया भाई बासिल को, 2 दिन बाद आया है। अंडा खिलाने से कितना उस दिन सोया ये, कितना सुकून मिला। दादी दोबारा नहीं खिलाया, मतलब एक बार खिलाया सिर्फ अंडा। कितनी बार खिलाना था अंडा उसको? उसको 6 अंडे मंगाए थे, 6 वो खिलाते हैं। 6 दिन 4 दिन खिलाया, तो हमने खिलाया सिर्फ 4 दिन, तो हमें 6 दिन खिलाना था। चलो 2 अंडे आप मंगा के खिला देंगे। बासिल बोलता होगा मैं कहाँ आ गया अचानक से, डायरेक्ट चेंज होता होगा ना वो। हाँ उनका ऐसे ही है, जब आ जाता है वहाँ भी यही करता है। मिलाद में थोड़ी जा रही है तुम, ये तो बच्चा तो फैंसी है ना, फैंसी हो कुछ भी हो, लेकिन मिलाद में जाते हैं जब पहनते हैं ऐसे। व्हाइट कलर से क्या होता है, अगर आप व्हाइट कलर कहीं व्हाइट कपड़े जो है ना बेटा, उसमें पहनते हैं जैसे मिलाद है या कोई अफसोस की जगह वहाँ जाना, अब ये तो खुशी जगह जा रहे होगे तो वहाँ जरा रंग बिरंगी पहनो। दादी साथ कलरफुल पहनी हुई है, बहुत सा पहन के जाएगा व्हाइट। आपके आपको लोगों को नहीं पता ना इतनी चीजें, जैसे आपको पता है ज्यादा, आप समझा देती है भाई ऐसा नहीं करना है ना। कई चीजें जचती है भाई पुराने लोगों पे भाई, जब भी तुम बोले दादी को दादी यार रुक जाओ, दादी रुकती नहीं है। अगर दादी रुक जाएंगे तो हम लोग को बहुत सारी चीज पता लगेंगे भाई पुरानी। टाइम 7:30 हो चुके हैं, लेट्स गो। तो भाई मैंने ड्रेसिंग चेंज कर ली है, आज मैंने बिल्कुल शूज न्यू पहने और शर्ट भी न्यू पहनी है। मैं पकड़ लूँ किधर है थैली में, रेडी शेडी होकर अब जा रहे हैं डायरेक्ट नीचे। और 2 गाड़ियाँ होंगी, जिसमें एक दादी होंगी और जिसमें एक हम सारे होंगे। तुम किस जा रही हो भाई? आपके साथ। यहीं से चले जाए, अब चाबी अबे खुला हुआ है तार, अरे खुल जा सिम। ड्राइवर है आज भी क्या कर रहे हो भाई, किस तरह साफ कर रहे गाड़ी? ओ भाई ये कहाँ से डाला हाथ? बाहर से डाला है। उई उई। कल की दावत एडवर्ड भाई ने मिस कर दी थी और फरिया ने, सो आज ये लोग दावत खा लेंगे मजे से। मैं थोड़ा सा खाऊंगा क्योंकि ना मैं पेट खराब हो जाएगा, वरना एकदम से ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा करके पूरा खाएगा। पता नहीं है भाई दावत में कहाँ जाना है, बस पापा के पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है हाईवे की साइड कहीं जाएंगे। पैसे है किसी के पास? नहीं मेरे पास तो नहीं है। अबे टमाटर तेरे पास है? अबे 100 रुपए 30 रुपए नहीं है। तो इन लोगों ने देख लिया डायरेक्ट मुझे, कितने पकड़वा दिए? 70 रुपए। वाओ सब पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। चलो उतरो उतरो उतरो। मे बी आप फिर उठ गए, सोते हो उठते हो सोते हो उठते हो। यहाँ लिखा हुआ है 15 साल से बड़े बच्चे झूला झूलेंगे, तो बासी नहीं आ सकते तो हम तो आ सकते हैं। तुम लोग झूला झूलोगे यहाँ पर? मैं फरिया। अरे तुम लोग को सिर्फ खाना खाने लेकर आए, झूले झुलाने के नहीं है, तो पता भी नहीं था मैं झूले होंगे। अब झूले की बात नहीं होगी, तुम बड़े हो गए तो फिर मैं तुम्हें झुलाऊंगा ना, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा सारी। मैं तो इसकी मम्मा हूँ ना, मेरी भी तो मानेगी। नहीं सिर्फ इसकी एक की देखो, एक की माननी पड़ती है ना, मेरी मान ली जब ये बड़ा होगा इसकी माननी। चलो अभी तुम्हारी मान लेंगे, चलो तुम दोनों आ जाना झूलने यार, मना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है वो मिल गए। हाँ बहुत अच्छी जगह है, तख्त भी मिल गया आपको और टेबल भी मिल गई, लेकिन झूला है सामने। और ये देखो
इसने झूला देखना, खाना कम खाना है। खाना खाते झूले देखेंगे। आ जाए, अबे लेट कर नहीं खाना, बैठ कर खाना है खाना। उठ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यार, तकिया किस लिए दिया है, लेटने के लिए दिया है, यूं करके। चल ठीक है, फिर लेट जा। जब हम उनकी दावत पे गए थे, उन्होंने सिलेक्ट किया था खाना या हमने किया था? उसने भी किया था, उन्होंने भी किया था। तो अभी हम उनके सिलेक्शन से खाएंगे या अपनी सिलेक्शन से? हम उनको खिलाएंगे ना। हाँ, अपनी सिलेक्शन। तो फिर अपनी सिलेक्शन, उनकी सिलेक्शन से अगर खिलाते हैं ना तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर उनकी मनपसंद की चीजें मंगा लेते फिर हम। अभी फिर ऑर्डर हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि खाना बनने में कम से कम एक घंटा लग जाता है, क्योंकि ऑर्डर ज्यादा है, कम से कम 20-21 लोग हैं टोटल, सो टाइम लग जाएगा। तो अभी से देखते हैं। अबे टमाटर थोड़ा तू देख ले, थोड़ा हम लोग देख रहे हैं, चल चल, थोड़ा मोम आप भी देख लो। कढ़ाई वगैरह, बारबेक्यू वगैरह, स्टेक वगैरह बना लेंगे। हाँ यही, तुम रोल नहीं बोल देना कहीं गलती से। हाँ रोल मैं खिलाऊंगा। ओ बालू आ गया, दादी आपके पीछे बालू। अबे टमाटर के पीछे भी बालू है। ये बासिल बेचारे को पता ही नहीं है बालू है नहीं है। बासिल डर जाएगा। बासिल मजा आ रहा है, बालू को देखो, बालू आप डरते नहीं हो बालू से क्या? हाँ हाँ, मैं मुन्ना बहादुर है बहुत। अबे डर, अबे भाई, अबे 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 अबे, उठा उठा उठा, कुछ ज्यादा हिला दिया इसने बालू ने भाई, इतना नहीं हिलाना होता। तुमने डरा दिया मेरे मुन्ने को यार, वो बलून से नहीं डरता। 3 मटन फुल, 2 सब्जी, 3 रेंगो कबाब, 3 चिकन मलाई बोटी, 6 बीफ अफगानी बोटी। ऑर्डर डन। हुई हुई, हर रोज कितने व्लॉग? हर रोज देखता हूँ। कितने व्लॉग? अरे भाई क्यों नहीं ना आ गया भाई, अरे 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 अरे, चलो चलो चलो, रोज देखने की खुशी यही है। हाँ आधा पे चलने, चलो चलो, 1 2 3। खुशी क्या सोते हो? लबाश आ चुके हैं भाई मेहमान। शादी मुबारक एक बार फिर। मुफ्त में आए हम लोग भी। एक ये साइज का बच्चा, एक वो साइज का बच्चा, एक ये साइज का बच्चा, एक ये साइज का बच्चा, 4 पैक में दस्तियाब है हमारे पास बच्चे। हाँ अरे 5 में तो भूल ही गए, माथे पे टीका लगाया हुआ है क्या? देखो इसकी 2 तो आंखें हैं लेकिन एक ऊपर टीका कहाँ से आ गया? ये तो बहुत डर गया है। लाओ लाओ मैं लगा लूँ, जगह बनाओ जगह बनाओ। सारी चीजें जो है ना वो इस फॉइल पेपर के अंदर आई है, पता नहीं लगा इसके अंदर क्या, इसके अंदर ऐसी ऐसी रख दिया बस। मैं हम दोनों साथ ही खाएंगे ठीक है, जो आप अपनी प्लेट में निकालोगी वो समझो मेरी प्लेट। आ गई खाते में फटाफट से खाना। खाना हो गया कंप्लीट, और अब लेके जा रहे हैं हम छोटे बच्चों को। आ जाओ, अबे तू भी छोटा बड़ा हो जा। बेटा कौन सा झूलना है? कौन सा वाला? ये वाला, गोल वाला। बेटा ऐसा गिरोगे ना यहाँ से उड़ते हुए घूमते घूमते उस झूले में। चलो बच्चों वाले झूले की बात करो। देख रहे थे भाई कौन सा छोटे बच्चों का, यार ये तो मतलब एज लिमिट भी हो सकती है ना। अब जैसे कि ये बड़े बच्चों का है, वो तेज चल रहा है, वो देखो वो थोड़े बड़े बच्चों का है, आई थिंक वो छोटे बच्चों का लग रहा है। सारी ऑडियंस पीछे चल रही है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे नाना जी, ठीक ठाक? अरे वाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आबाद रहे। हेलो भाई, हेलो। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा रश बढ़ना शुरू हो चुका है। एक टिकट, 2 3 4 4 टिकट, टिकट ले ली, टिकट ले ली। अरे भाई अबे आराम से, अबे पहले नहीं भागना, टिकट के बगैर जाने नहीं देंगे भाई। तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है मेरे को। अभी हम लगे भाई लाइन में पीछे, और जैसे ही एक शिफ्ट हो जाएगी तो हमारी नंबर आ जाएगा। मेरे पास है सिर्फ 3 टिकट्स, 1 2 3 4 लिया था, एक पता नहीं किसने ले लिया मेरे हाथ से, गायब हो गया। एक तुम्हारा, एक आपका, एक आपका। फटाफट भाई प्लान चेंज हो गया, फरिया की जगह समा जा रही है, इसका दिल कर रहा है। बाय 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 बाय, तुमसे कोई छोटा बच्चा नहीं है। चलो चलो मुझे बिठाएंगे। हाँ हाँ बिठाएंगे भाई, अभी मैंने देखा था आंटी बैठी थी, तो क्या वो बच्चों को लेके बैठते ना इसलिए। हाँ जा बैठ जाओ, जाओ एक आंटी वो भी जा रही है। यहाँ लोग खाना खाने आए या झूला झूलने आए? ये टोकन एक और भाई, टोकन मिल गया मेरी जेब से एक ना, फरिया को भेज दिया। फरिया और सबा दोनों आगे बैठ गए और ये दोनों बच्चे पीछे। गाड़ी आ चुकी है हमारी, पापा अपनी गाड़ी का वेट करते हुए। आपके भी आ गए मम्मा लोग, सबा लोग तो आए नहीं अभी तक यार। दिल नहीं कर रहा बाहर आने का, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओई ओई क्या हुआ, आइसक्रीम खाई है? चखी थी सर। चखी और कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक पी थी पूरी बस। शाबाश, कल ही बीमार हुए थे, आज ठीक हुए, फिर कल बीमार। क्योंकि भाई देखो मैं इनसे हूँ तो छोटा, लेकिन केयरिंग ही बड़ी करता हूँ इस चीज में, कि भाई नहीं खाओ ज्यादा, या ठंडा मत खाओ, या कुछ ऐसा मत खा लो जिससे तुम बीमार हो जाओ। लेकिन अब ये मेरी नहीं सुनते यार, क्या फायदा फिर। अब ये कल बीमार हो जाएंगे तो काम तो खराब इनका ही होना है, लेकिन फिर होता हमें ना कि यार बीमार हो गया इस वजह से। भाई फरी आ चुकी है और सबा और बेबी भी आ चुके हैं। 20 रुपए ले लो ना। कभी पापा की गाड़ी हमसे आगे चली जाती है, कभी हमारी गाड़ी पापा की गाड़ी से आगे चली जाती है, तो अभी पापा ही आ गए। बीच रोड में भाई एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का। पहुंच चुके हैं भाई घर, दादी को कहते हैं भाई अलविदा, दादी बाय बाय, फिर आइएगा सही है। भाई पहुंच चुके हैं घर और थक गए भाई, इस व्लॉग का इधर ही एंड कर दो। बैठे रहे भाई, लेट भी नहीं सकते थे, मेहमान आ गए थे, पहले तो थोड़ा बहुत लेट गए थे क्योंकि वहां पर हमें गोल तक क्या मिला हुआ था। तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट। तुझे क्या हो गया? खत्म, बाय बाय।
तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दो यार। तुम लोग अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करते ना तो आपका भाई का दिल टूट जाता है, तो इसलिए कर दिया करो आपका भाई का दिल रखने के लिए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें अगर आप लोग चाहते हैं बहुत अच्छे व्लॉग आएंगे, क्योंकि आगे बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। हाँ अब तो डेली है तो बस लाइक तो यार दफा यही बोलते हैं जो अब पक्का वाला डेली हूँ हर दफा का नहीं अब पक्का वाला मान सकती सब्सक्राइबर की तरह तो मैं भी तुम्हें नहीं मान सकता। हटो यहाँ से। ये कौन सी जेलीज है भाई? ओ भाई साहब इतनी सारी जेलीज ले ली। हम दोनों ले लेंगे एक निकालो एक तुम ले लो एक ले लो।